हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद उमा। आज ये बन रहा है मिर्ची का कूटा। राजस्थान का बहुत ही फेमस है साइड डिश है, रोटी की साइड डिश है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये ट्विस्ट लेकर मैंने बनाया है, हूबहू एज इट इज़ नहीं है, ये ओरिजिनल रेसिपी से थोड़ा सा हटकर है। 100 ग्राम मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज ले लिए हैं, जो कि कम स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है। इसे अच्छी तरह से धो लिया है, सुखा लिया है फैन के नीचे। अब इसके डंठल हम थोड़ा सा अलग कर लेंगे। यहाँ काफ़ी गर्मी है, बहुत हॉट है बाहर टेम्परेचर, तो इसीलिए ये थोड़े से सिकुड़ गया है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, चॉपर ले लिया है। अब इसमें हम लोग, या तो आप मिक्सी में भी इसे अच्छे से कोर्सली ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में ग्राइंड किया है इसे। अब इसे हम थोड़े से पीसेस में कट कर कर आधा हमने बाहर निकाल लिया। अब इसे हम थोड़ा कोर्सली इसमें क्रश कर लेंगे। देखिए हमें इतना पीसना है, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। इसे निकाल लेते हैं अलग से। तो ये ना रोटी के साथ में हो, पराठे के साथ में हो, पूरी के साथ में हो, पिकल की तरह है। इसे आराम से आप 7 दिन तक या बाहर रख सकते हैं फ्रिज के बाहर में। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़े से लहसुन लिए हैं टेस्ट के लिए, जो कि ओरिजिनल रेसिपी में आई थिंक नहीं है, लहसुन नहीं डालते। तो इसमें मैंने गार्लिक डाला है, तो ज़्यादा नहीं, 5 या 6 मैंने क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के। तो अब इसे क्रश कर लिया हमने, तो अलग से निकाल लिया है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है मिर्ची का कूटा, रफली कच्चा वाला। अब हम इसे थोड़ा सा तेल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 बड़े स्पून तेल, कुकिंग ऑयल कोई भी कुकिंग ऑयल लीजिए। इसमें डाल दिया 1 स्पून जीरा, 1 स्पून कलौंजी और 1 स्पून सौंफ, छोटी सौंफ लिया है मैंने। ज़रा सा जीरा थोड़ा सा लाइट कलर चेंज होते ही हमें ये मिर्ची का कूटा इसमें डाल देना है। फ्लेम को हम बहुत धीमी आंच में रखेंगे, लगातार इसे मिलाते रहना है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, यहाँ पर मैंने लिया ये सौंफ पाउडर 2 बड़े स्पून लिए हैं मैंने, ये है धनिया जीरा पाउडर 2 बड़े स्पून। अब इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें खाली धनिया पाउडर डलता है, जीरा पाउडर नहीं डलता आई थिंक, लेकिन मैंने यहाँ पर धनिया जीरा पाउडर डाला है। टेस्ट तो बहुत ही बहुत, मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छा है टेस्ट तो। तो यहाँ पर मैंने डाला है आमचूर, थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने ताकि खट्टा अच्छा लगता है खाने के लिए। तो आप स्किप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा, स्किप मतलब इतना ज़्यादा नहीं, 2 स्पून काफ़ी है। तो खट्टा जो है ये थोड़े से तीखेपन को कम करता है, इसीलिए ये मैंने तीखा जो है उसे मारता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है आमचूर पाउडर। तो देखिए थोड़ी देर हमने कुक किया है तो इसका कलर चेंज हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा 1/4 कप या 1/3 कप हम दही लेंगे, और जब तक दही को अच्छी तरह से हम सूखने देंगे इसमें, और तेल अलग हो जाएगा ये। जब ये तेल छोड़ने लगे फ्लेम को, गैस को बंद कर देना है। अब बस बनकर तैयार हो गया ये मिर्ची का कूटा। तो ये रोटी में साइड डिश बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये आराम से आप इसे कंटेनर में रखकर 7 दिन तक फ्रिज के बाहर आराम से रहेगा, 15-20 दिन तक फ्रिज में रखो तो अच्छे से रहेगा। तो इसे हम अलग से निकाल लेकर ठंडा कर लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ये तो पिकल भी बोल सकते हैं या चटनी भी बोल सकते हैं आप। तो इसको रोटी के साथ में आप सर्व कीजिए, टेस्ट कीजिए, घर पर बनाइए। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। देखिए इसे अब मैंने इसके ठंडा होते ही ग्लास कंटेनर में रख दिया है मैंने। आपको थोड़ा सा स्पाइस कम लग रहा है इसमें तो हरी मिर्ची कट कर कर आप बीच बीच में इसमें डाल सकते हैं, स्प्रिंकल कर कर रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसे एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर कीजिए तो अच्छे से रहेगा ये, इस तरह।